तो प्रभु श्री राम जी के पिता का नाम था दशरथ, दशरथ के पिता का नाम था अज, अज के पिता का नाम था नाभाग, नाभाग के पिता का नाम था ययाति, ययाति के पिता का नाम था नहुष, नहुष के पिता का नाम था अम्बऋषि, अम्बऋषि के पिता का नाम था प्रशुश्रुक, प्रशुश्रुक के पिता का नाम था मरु, तो मरु के पिता का नाम था शिग्रक, शिग्रक के पिता का नाम था अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के पिता का नाम था सुदर्शन, सुदर्शन के पिता का नाम था शंखण, शंखण के पिता का नाम था प्रवड, प्रवड के पिता का नाम था अंशुमन, अंशुमन के पिता का नाम था दिलीप, दिलीप के पिता का नाम था भागीरथ। ये वही भागीरथ है जो गंगा को पृथ्वी पर लेके आए थे, जिसको भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। राजा भागीरथ के पिता का नाम था कुकुस्त, कुकुस्त के पिता का नाम था रघु। ये रघु वही राजा है जिनके नाम पर ये रघुकुल पड़ा, क्योंकि ये बहुत ही पराक्रमी और तेजस्वी राजा थे। आज भी कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो राजा रघु के पिता का नाम था राजा असमंज, राजा असमंज के पिता का नाम था राजा सगर, राजा सगर के पिता का नाम था राजा असित, राजा असित के पिता का नाम था राजा भरत, राजा